नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल सैटरडे वीकेंड का वार था जहां पर कि सलमान खान का सत्संग चालू था। ऊपर ऊपर से गुस्सा दिखाया जा रहा था, लेकिन गुस्से में घर वालों से कोई बात नहीं की गई। मैं समझ रहा हूं कि कल उन्हें जो बोलना था, आज जब कंटेस्टेंट की फैमिली एंड कुछ फ्रेंड्स लाइक कलर्स के ही आर्टिस्ट वगैरह आए, उनके साथ उनके सामने सलमान खान ने कुछ एक ऐसी बातें कही जो शायद उन्हें कल यानी सैटरडे वीकेंड के बारे में करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। और क्या पता, शायद अगर की भी हो तो कलर्स की एडिटिंग को तो हम जानते हैं, क्योंकि आज जब पराग त्यागी और आसिम का भाई और सिद्धार्थ शुक्ला के दो दोस्त, जिसमें से एक रश्मि की वकील बन के आई थी, लेकिन रश्मि का केस क्या कि स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी विशाल की, तो वो भी अपने पतिदेव के साथ उंगली पकड़ के आया था, सिद्धार्थ शुक्ला की उंगली पकड़ के आया था, आज सिद्धार्थ शुक्ला को उंगली दिखा रहा है। ये माही विज साबित कर रही कि क्यों है अव्वल नंबर की फ्लॉप एक्ट्रेस थी। है तुमको बुलाया रश्मि के वकील बनने, तुम लग गई सिद्धार्थ शुक्ला की वकालत करने। जहां पर कि सलमान खान ने एक चीज तो डंके की चोट पर बोल दी, जब पराग ने बोला कि गलत दोनों थे, आसिम एंड शुक्ला दोनों थे, लेकिन शुक्ला ने जो पुश किए वो काफी ज्यादा गलत थे, जहां पर कि सलमान खान ने भी हामी भरी और सलमान खान ने खुद बोला कि आसिम के जो पुश थे वो जेंटल पुश थे, लेकिन जो शुक्ला का पुश था वो काफी हैवी था, और अगर शुक्ला के सामने आसिम की जगह कोई और होता तो शुक्ला जी पिट जाते। ये डायलॉग्स, ये वर्ड्स सलमान खान ने खुद अपने मुंह से बोले कि शुक्ला के सामने आसिम की जगह कोई और होता तो शुक्ला जी पिट जाते। और ये चीज पिछले कई दिनों से मैं कह भी रहा हूं कि आसिम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई कंप्लेंट नहीं की और कोई रिएक्शन नहीं दिया, प्रोवोकेशन इंस्टिगेशन चीखना चिल्लाना ही किया, जबकि हम जानते हैं कि फिजिकली वो इतना कमजोर नहीं है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला का मुकाबला न कर सके। इसकी सिद्धार्थ शुक्ला के एग्रेशन के ऊपर मैंने ही बोला था जब वो बोरी वाला टास्क हुआ था बीबी ट्रांसपोर्ट, और मैंने कहा भी था माहिरा जैसी देड़ पसली जो लोग पहुंच जाते हैं शुक्ला के आसपास, अगर शुक्ला ऐसे करेगा तो वो दूर जाके गिरेगी 6 फीट दूर, फिर बोलेगी मैं लड़की हूं, मेरे को ये कर दिया वो कर दिया। आसिम ने ऐसी कोई बकवास नहीं की थी, वो चाहता तो कर सकता था। तो मैं समझ रहा हूं कि सैटरडे एपिसोड में सलमान खान को ये चीजें बोलनी थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, और संडे जो कि फंडे एपिसोड होता है, इस एपिसोड में उन्होंने ये चीज बोली। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर हो गई है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि सलमान खान चाहते तो निकाल सकते थे, लेकिन निकाला नहीं, और निकाला क्यों नहीं उसका हमें जवाब मिला है आज इस संडे यानी कि फंडे वीकेंड का वार जब खत्म हुआ था, हमें कल का प्रोमो दिखाया गया है जहां पर कि कलर्स का ही एक शो था दिल से दिल तक, जहां पर ये कपल था शुक्ला एंड कद्दू, इन दोनों का लव अफेयर और रोमांटिक जो सीन है वो रिक्रिएट किया जाना है, और कहीं ना कहीं आगे चल के रश्मि एंड शुक्ला की हमें केमिस्ट्री दिखाई जानी थी। इस वजह से शुक्ला के सातों खून माफ कर दिए गए, इतनी भयंकर लेवल की हिंसा की है। प्रोवोकेशन इज नथिंग न्यू, प्रोवोकेशन इंस्टिगेशन कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का जो हिंसा और जो फिजिकल वायलेंस एक तरह से हुआ है वो सलमान खान ने कल कह ही दिया कि बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद भी चैनल ने शुक्ला को नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि अभी उन्हें शुक्ला और रश्मि का एक लव एंगल दिखाना है। शायद ये एक वजह थी जिसकी वजह से कल सलमान खान काफी पहले ही हथियार डाल चुके थे कि मेरे को मेरी रेपुटेशन वगैरह, मैं कनेक्ट था छोड़ दिया, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ, बाहर जाकर काम करना नहीं करना, तुमको जो करना करो, मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। तो कल जो मुझे एक आभास था कहीं ना कहीं वो आज सच होता दिखाई दे रहा है जब इनका लव एंगल का हमने प्रोमो देखा। एनीवे इस एपिसोड की स्टार्ट हुई थी जब कल एपिसोड खत्म हुआ उसके बाद से हमने देखा कि आसिम एंड सिड का पैचअप होना शुरू हुआ, दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगा लिया। वही क्या नाम उसका हिमांशी, वो बहुत ज्यादा अपसेट है। अपसेट होने के रीजन काफी हैं, लेकिन आपने अगर सुल्तानी अखाड़ा जीता है तो आप पॉजिटिव देखो, नेगेटिव मत देखो, क्योंकि ये बिग बॉस में तो ऐसा ही होता है। पिछले वीक आसिम हीरो था, इस वीकेंड पर आसिम को विलन दिखाने की भरपूर कोशिश की गई, तो यहाँ बिग बॉस में ऐसा ही होता है, यहाँ बाजी कब ऊपर जाए कब नीचे है पता नहीं चलता। हिमांशी ने चीजों को बहुत पर्सनली ले लिया है, तो ये तमाम चीजें वगैरह दिखाने के बाद जो क्या बोलते हैं वो फुग्गे वगैरह, नासा ने रिसर्च की है, बलून्स लाए हैं, गलतफहमी के गुब्बारे वगैरह फूटे,
इसके बाद फैमिली आई, जहां पर कि हमने देखा पारस की गर्लफ्रेंड जो कि संस्कारी प्लेबॉय है। अब अगर पारस संस्कारी प्लेबॉय हो तो उसकी गर्लफ्रेंड को क्या बोला जाए, जो कि पारस के साथ ही पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी की कि तू लड़कियों की कैलोरी किसिंग कैलोरी वाली टेक्निक सिखाना, लड़कियों के साथ घुस के खेलना, चिपकम चिपकी करना, लव अफेयर बनाना, दो तो दो, एक घर वाली एक बाहर वाली वाला खेल खेल रहा है। तो उसके ऊपर तो जय भानुशाली ने भी उसके ऊपर तो जय भानुशाली ने भी बोल दिया कि देवी तुम्हारे जैसी बीवी सबको मिले, इतनी ओपन माइंडेड बीवी वाला कौन नहीं चाहेगा है, कोई दिक्कत नहीं, तू जा अफेयर कर, तू चिपका चिपकी कर उससे मायरा से। यहाँ पर पराग त्यागी ने भी जो एक बात बोली कि पारस इतना छिछोरा, इतना घटिया लेवल का गेम खेल रहा है, एक तरफ भाभी बोलता है शेफाली को, दूसरी तरफ उसको आसिम से लिंक कर रहा था। तो पराग ने काफी अच्छी बातें की, वही बुलाया गया था रश्मि के लिए जय की वाइफ, लेकिन रश्मि का तो केस खारिज हो गया, तो उनको तो रश्मि के लिए कुछ बोलना नहीं, तो वो आसिम के भाई से कहीं ना कहीं जता रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला ने एहसान किया है। हालांकि आसिम के भाई ने काफी अच्छे जवाब दिए कि वो नॉमिनेशन में आया है, एंड जब वो सिद्धार्थ शुक्ला जो बोल रहा है कि एक महीने इसको पाला, तब तो कोई ऐसा फंडा था ही नहीं ना, तब तो कनेक्शन वाली फंडा चल रहा था, तीन लड़के तीन लड़की फिनाले में जाएंगे ये वाला था, एक डेढ़ महीना। तो यहाँ पर आसिम के भाई ने काफी अच्छे से जवाब दिए कि इट्स अ टू वे रिलेशन, अगर इसकी जरूरत इसको पड़ी तो उसकी जरूरत उसको भी पड़ी है, एंड ये जो एग्रेशन प्रोवोकेशन मुंह पर चढ़ के आके बात करना, तो काफी अच्छा यहाँ पर रिप्लाई किया आसिम के भाई ने, क्योंकि ये मुंह पर चढ़ के बात करना इसका आविष्कार तो सिद्धार्थ शुक्ला ने ही किया है। एक महीने में आपने देखा, चाहे वो रश्मि हो, चाहे वो पारस हो, माहिरा जो अब बहुत सगे बन रहे हैं, यही लोग तो कमेंट किया, यही लोग तो वीकेंड पर बोला करते थे, सर इसके मुझे थूक पड़ता है, सर बहुत पास में आके बात करता है, सर सर इसके मुझे बदबू आती है, सर एकदम चढ़ के बात करता है। सब भूल गए कि ये सब तो सिद्धार्थ शुक्ला ने ही शुरू किया था, अब सबको सिर्फ आसिम दिख रहा है। एनीवे यहां तक अच्छी खासी बातचीत वगैरह के बाद सलमान खान ने, जैसे हर संडे वो नान खटाई खाते, तो उन्होंने नान खटाई वगैरह खिलाई, और सिद्धार्थ शुक्ला के जो दो वकील हैं उनको भी नान खटाई वगैरह दी गई, और सबसे पूछा गया कि भैया तुम्हारे टॉप टू में वगैरह कौन दिखता है। तो यहाँ पर पराग त्यागी का काफी अच्छा था, शेफाली एक वाइल्ड कार्ड है और मैं सीरियसली चाहता हूँ कि वो काफी आगे जाए, क्योंकि वो डिजर्विंग है, जितने भी वाइल्ड कार्ड आए हैं सबसे बेस्ट जो खेल है वो शेफाली का ही है। अफसोस की बात है कि वो शायद जीतेगी नहीं, लेकिन ज्यादातर सबके टॉप टू में सिद्धार्थ, असिम, शेफाली इनके ही नाम लिए गए, सिद्धार्थ का ज्यादातर लिया गया क्योंकि सिद्धार्थ के लिए दो लोग आए थे वैसे, जय भानुशाली और उनकी पत्नी जो कि आई रश्मि के लिए थी, लेकिन ज्यादातर समय वो सिद्धार्थ की ही वकालत करती पाई गई। तो रश्मि के लिए क्यों, फिर आपको डायरेक्ट सलमान भाई को बोल देना था ना कि सिद्धार्थ के लिए हमने दो वकील बुलाया, एक जय भानुशाली और एक रश्मि की वकील जो कि अब सिद्धार्थ की वकील बन के काम करेगी। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया, जब रश्मि ने शो में कंटेंट के नाम पर कुछ दिया ही नहीं है, पर वही हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट बोली जा रही है तो इसलिए लेके आ गए, भले ही वो भी तब जबकि बंदी ने कुछ किया ही नहीं है, कद्दू की तरह आई एक महीने में चली गई, और इस एपिसोड के स्टार्ट में भी जब नाम लिया गया डेवोलिना और उसका आरती का बाहर जाने के लिए, तो कद्दू लीना का मुंह देखा, आई डिसएग्री। इन घर वालों से रुखसत होकर के रणविजय सिंह आए और उन्होंने बीबी सितारे टास्क की थी, सितारे टास्क में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं समझ रहा हूं कि ये एपिसोड पारस के लिए काफी अच्छा बिल्कुल नहीं था, पारस को सभी ने लपेट लिया और सलमान खान ने भी बोली दिया था कि पारस एंटरटेनिंग है, इरिटेट करने के लेवल वाला एंटरटेनिंग है, पता नहीं तुम इसको कैसे झेल लेती हो, और पारस का गेम सब समझ रहे कि घटिया लेवल का गेम खेल रहा है, यासिन के भाई ने भी बोला, एंड पराग ने भी बोल दिया कि इसका गेम तो सर एकदम क्या बोला जाए। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने जब बोला कि पता नहीं तुम उसको कैसे झेल लेती हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि पारस इस शो में कितना पकाता है, कितनी बकवास करता है, और वो बकवास कितनी करता है ये तो हमने जब रणविजय के साथ बीबी सितारे टास्क देखी। अगर दो लोगों को बुलाया गया है कि आप अपनी रजामंदी से किसी एक की तस्वीर फाड़ो, तो वहां पर भी पारस को और माहिरा को वकील बनना है, मतलब साला सामने वाला अपने दिमाग से नहीं चलेगा, तुम्हारे दिमाग से चलेगा। यहां पर सबने अपने अपने तरीके से खेला, लेकिन मैं समझ रहा हूं यहां पर हिमांशी ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। जब आपको और माहिरा को खड़ा किया गया, माहिरा ने पारस के नाम पर रजामंदी करने से मना कर दिया कि नहीं पारस की फोटो नहीं फटेगी, लेकिन अगर उसने आसिम का नाम लिया, आसिम की फाड़ दो, तो आपने तुरंत रेडी हो गई कि आसिम की फोटो फाड़ दो, यार वो तो आपके साथ खड़ा रहा ना, आपकी तबीयत खराब थी तो वो चौकीदारी करने के लिए वो खड़ा हो गया था अपने आप,
एंड अभी भी आपकी उससे बॉन्डिंग है। तो जब माहिरा एक पारस के लिए हमेशा स्टैंड लेती है, पारस माहिरा के लिए लेता है, तो फिर आपने कैसे मतलब माहिरा के सामने सरेंडर कर दिया, असीम की फोटो फाड़ दो है? माहिरा जैसे जिद पर अड़ी रहती, आपको भी अड़े रहना था ना। शेफाली ने इसके बाद जब हिमांशी की फोटो फाड़ी, वो हमको जस्टिफाइड है, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि हिमांशी बहुत ज्यादा चीजों को दिल पर ले रही है। ऐसे में उनको ये फीडबैक मिलना बहुत जरूरी था कि ये शो है, यहाँ पर कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, चीजों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। ये फंडा होना चाहिए जिंदगी में। आपके साथ एपिसोड में गलत हुआ, वो दुनिया ने देखा है, आपका पुश सलमान खान को दिख गया, लेकिन सना के बाल खींचना, उसका आसिम के, और दुनिया भर की बकवास करना, पूरे वीक इन लोगों ने गंद मचाई। सलमान खान ने सिर्फ आसिम के ऊपर ही बोला है, या आसिम, शेफाली, हिमांशी, तो ये पूरी करोड़ों लोगों को दिख रहा है कि वो सैटरडे एपिसोड कितना वन साइडेड एपिसोड था, क्योंकि कलर्स के दामाद और उनके आसपास के लोगों को और ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ाना था, ताकि आगे चल के जब ये और बड़े वाले कांड करेंगे तो एकदम धरी धार पर निकाल दिए जाएंगे, जैसे हमने पिछले सीजन में देखा था। एक एपिसोड लगा, सुशांति उचांति सब एक साथ लाइन पर आ गए थे, ये मिस मेबलिन, सुरभि राणा वगैरह सब खूब चने के झाड़ पर चढ़ाया गया था। तो ये जो शो है इस बार भी उसी फॉर्मेट पर जा रहा है, गलत लोगों की गलतियों को हाईलाइट करने के बजाय जो लोग कम गलत थे उनको और ज्यादा विलन के रूप में दिखाया गया था। तो ये बीबी सितारे टास्क भी चलती रही, जहां पर कि बिरयानी वगैरह दी गई। यहाँ पर एक चीज काफी अच्छी दिखाई दी मुझे, जिस तरह शेफाली के पॉइंट्स क्लियर थे, उसी तरह आरती के भी पॉइंट्स काफी क्लियर थे। एंड आई फील आरती ही एक अकेली है जो कि मुंह पर पारस की धज्जियां उड़ा रही है, उसका डर्टी गेम एक्सपोज कर रही है। एंड पारस के गुर्दे छिल जाते हैं जब वो अपने खिलाफ कुछ सुनता है, तो चाहे वो डेबोलिना हो, और डेबोलिना ने उसका गेम ब्रिलियंट तरीके से सबके सामने खोल के रख दिया, रश्मि ने भी। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि जब ये बीबी सितारे टास्क में रश्मि की बारी आई या डेबोलिना की बारी आई, जब वो पारस का नाम ले रहे थे तो पारस के गुर्दे छिले जा रहे थे। ये पारस इनसे उम्मीद करता कि तुम मेरा मत फाड़ो फोटो है? तुमने जब नॉमिनेशन टास्क में इनको प्रायोरिटी दी थी क्या? तुमने माहिरा और विशाल को चुना था, तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में रश्मि एंड ये डेबोलिना दोनों ही नहीं थे। आज तुम कह रहे हो कि बताओ, ऐसा कैसे कर सकती हो यार, है कोई वो ही नहीं है, रिश्ते रिश्ते की लाज हया ही नहीं, तुमने कितनी रखी थी, तुमने तो अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखा वही चीज मायरा की। अगर मायरा का नाम डेबोलिना ले रही है या रश्मि ले रही, तो इन मायरा के गुर्दे छिल जाते हैं। ये दूसरों से एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। अभी भी इनके अंधे फैंस को ये चीज नहीं दिखाई दे रही, और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। जब एपिसोड के एंड में भी जा रही थी वो डेबोलिना और आरती, ये दोनों लव बर्ड्स, ये एक तो येलो जैकेट पहनी है, येलो कलर का सोफा, और वहां बैठ के बड़े बड़े होंठ लेके किसी नाटक के लिए, नाटक के लिए। जिस दिन तू जाएगी ना, तो बाकी के लोग भी ऐसे ही बोलेंगे कि कितना नाटक कर रही, रो रही, फिर बाहर जाके ये मत बोलना यार मैं तो बाहर आ रही थी, कितने पत्थर के लोग हैं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए यार। और जब तुमको बोला जाएगा ना कि तुम भी दूसरे के इमोशंस का मजाक उड़ा, मैंने नहीं होना है, मैंने नहीं होना है, मेरी माँ की बहन, ये इस लड़की की, एक तो भगवान ने इसको आवाज भी ऐसी दी है, और होंठ तो इसके खुद के ऐसे करे कराए हैं, लिप्स, इसके लिप्स के ऊपर तो सलमान खान ने भी आज एक डिग ले ही लिया जब वो स्प्रे वगैरह छिड़का गया था। तो ओवरऑल ये संडे का एपिसोड सैटरडे एपिसोड से काफी अच्छा था, जहां पर कि पारस की बड़े अच्छे तरीके से पोल पट्टी वगैरह खोली गई, सलमान खान ने भी कहीं ना कहीं कबूल कर ही लिया कि सिद्धार्थ शुक्ला के फोर्सफुल पुश काफी ज्यादा इंटेंसिटी वाले थे, जो कि किसी को भी इंजर्ट कर सकते थे। थैंक गॉड कि सामने आसिम था जो जेल गया और रिटेलिएट नहीं किया, कोई और होता तो गुत्थम गुत्था हो गया, शुक्ला जी भी पिट सकते थे, और हमने आसिम का पावर देखा, सुल्तानी अखाड़े में सिद्धार्थ शुक्ला को पटक दिया था। अब सिद्धार्थ शुक्ला भले ही कुछ भी बोले कि मैं तो जानबूझ के हार गया, जानबूझ के हार गया, रिकॉर्ड बुक में तो यही लिखा जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला और पारस को हरा कर आसिम ने सुल्तानी अखाड़ा जीता था, पटक कर, चित करके। लेकिन क्या बोला जाए, अब तो दोनों फिर से दोस्त हो गए हैं, और अगर दोनों दोस्त होकर फिर साथ में खेलेंगे तो रिश्ते में गठन तो पड़ ही चुकी है। हालांकि कल का जो प्रोमो है वो काफी पॉजिटिव प्रोमो है, काफी लोग हंस रहे हैं, हंसी मजाक मस्ती, नॉमिनेशन चल रहा है, यहाँ जहां पर कि शुक्ला एंड रश्मि का रोमांटिक एंगल क्रिएट किया जा रहा है, उनके सीरियल की क्लिप्स दिखाई जा रही सबको, और काफी रोमांटिक भी लग रहे हैं। तो यही एक वजह है कि इतना सब रूल तोड़ने के बाद, इतनी हिंसा करने के बाद भी शुक्ला को इसीलिए रखा गया है।
कि लव एंगल बनाना है, क्योंकि डे वन से चैनल ने भरपूर कोशिश की है। जब आपको याद होगा एंट्री हुई थी, रश्मि जो कि अंदर आके बहुत बोलती रही थी कि मेरे को शुक्ला के साथ किचन में नहीं जमता, नहीं पार्टनर बनना, लेकिन आते से ही इसने शुक्ला को ही पार्टनर पिक किया था। आपको याद है ना, फर्स्ट वीक में एक ही बेड पर सोते थे दोनों। पार्टनर इनको चैनल ने डे वन से फिक्स करके रखा है, और जब तक चैनल अपनी मनचाही चीज नहीं निकलवा लेगा, सिद्धार्थ शुक्ला कुछ भी कर ले वो उसको नहीं निकालेंगे। कल को अगर वो अंदर किसी का मर्डर भी कर देता है, सर फोड़ देता है, तब भी नहीं निकालेंगे। गलती सामने वाले में ही ढूंढी जाएगी। बिग बॉस मराठी के टाइम पर एक कंटेस्टेंट थी शिवानी सुर्वे, उसकी साइकोपंथी के ऊपर मैं बड़े अच्छे तरीके से रिएक्ट करता था, क्योंकि महेश मांजरेकर उसकी गलती को जस्टिफाई करते थे। उसी तरह से मैं उसी अंदाज में अगर आपके सामने करूं ना कि सिद्धार्थ शुक्ला शो में अगर गाड़ी चला रहा है और उसकी गाड़ी के सामने अगर कोई आ गया, तो सलमान खान क्या बोलेंगे, सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा था, शांति से जा रहा था, बीच चौराहे पे जाए या कहीं भी जाए, तुम लोगों का सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, रोड उसके बाप की है, गाड़ी उसके बाप की है, तुम लोग फुटपाथ पे चलो, वो फुटपाथ पर भी गाड़ी चला सकता है, तुम्हारी गलती, तुम फुटपाथ पे क्यों चले, तुमको अपने घर में जाना चाहिए, अगर उसकी गाड़ी घर में घुस जाएगी तो भी तुम्हारी गलती है, तुम अपने घर में क्यों थे, तुम सालों तुमको जिंदगी जीने का कोई हक ही नहीं है, सिद्धार्थ शुक्ला कभी गलत नहीं हो सकता। ये अंदाज है सलमान खान या मेकर्स का, उनको शुक्ला को हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है और कुछ नहीं। गलती सामने वाले में ही ढूंढी जाएगी, तूने प्रोवोक क्यों किया। ये वही सलमान भाई हैं जो बिग बॉस 11 के टाइम पर तो बौड़म भाभी की जो प्रोवोकेशन था उसको बड़े अच्छे से बोलते थे, अरे आपने तो गुप्ता जी को मतलब रुला दिया, क्या प्रोवोक करती हो है। जबकि हमने देखा था विकास गुप्ता कितना फ्रस्ट्रेट हो गया था, घर से निकलने तक की कोशिश कर ली थी, इतना उसको इंस्टिगेशन और प्रोवोक किया गया था। तो प्रोवोकेशन तो पार्ट है भैया शो का। खैर ये मेरा ओपिनियन है, और अब ये ओपिनियन रखने के लिए मेरे वीडियो में भर भर के डिसलाइक आएंगे, भर भर के शुक्ला फैन ना मतलब दूरबीन लगा के झांकते रहते, वेट करते कि कब डीएसके आए और वीडियो डाले और उस पर डिसलाइक मारना शुरू कर दो। तो भैया ऐसा है कि भले ही असीम और शुक्ला का पैचअप हो गया हो, मेरा शुक्ला और फैंस का कभी पैचअप नहीं हो सकता। वो हरामखोर आएंगे मेरे वीडियो पर डिसलाइक मारने। अब ये मेरी जितनी जनता जनार्दन है, अब ये आपके हाथ में, वो जितना डिसलाइक करे आप और ज्यादा लाइक करो। नाउ इट्स अ बैटल, द वॉर इज ऑन बिटवीन मी एंड शुक्ला फैंस। देखते हैं कि ये वॉर कहाँ तक कितना लंबा जाता है। मैंने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किया है उन लोगों ने, तो मैं तो चाहूंगा कि वो लोग आए और डिसलाइक करें, और साथ ही साथ जो मेरी ऑडियंस है मैं उनसे भी कहूंगा कि मुंह तोड़ जवाब दो आप भी। वो अगर 10 डिसलाइक मार रहे हैं तो आप 100 लाइक मारो, दो करारा जवाब, मजा आएगा, अपना अलग ही बिग बॉस चल रहा है, ठीक है ना। सो इस नोट पर वीडियो करता हूं खत्म। आपके क्या ओपिनियन रहे ये पारस की गर्लफ्रेंड के बारे में? आसिम का भाई काफी अच्छा लग रहा था, उसने बहुत अच्छी डिसेंसी से बातें भी की और बढ़िया तरीके से पॉइंट रखे। जय भानुशाली ने भी सिद्धार्थ का काफी सपोर्ट किया, लेकिन ये जो माही विच थी मुझे कहीं ना कहीं ये अच्छी नहीं लगी, सही बताऊं। शेफाली के हस्बैंड ने भी काफी अच्छे तरीके से बात की। रणविजय सिंह जो टास्क करने आया था, गलतफहमी के गुब्बारे काफी ठीक थे, वो स्प्रे वाली टास्क काफी अच्छी थी, जहां कई लोगों की गलतफहमी, कई लोगों की पोल पट्टी खुल गई। जहां पर अगेन हमने देखा थोड़ी देर पहले ही भाऊ ने जो स्प्रे मारा था, हिंट मिल गई थी जब पारस ने कुछ बात की थी ना कि ये किसी काम का नहीं, बहुत चर्बी है, सेम चीज उसने शेफा हिमाची के लिए भी बोली थी और इतनी हिंट मिली थी, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां पारस ही करता है, ये चीज तो सबको समझ में आ जानी चाहिए। खैर हिमांशी को ये एपिसोड और ये दिन एक वर्स्ट डे समझकर भूल जाना चाहिए। यहाँ आसिम, हिमांशी या शेफाली, चूंकि इनको वीकेंड पर काफी नेगेटिव दिखाया गया, तो इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा जो कि हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, कि जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। अंबर का एक तारा था मानव, वह बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, वो डूब गया तो डूब गया, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, वो लोग कब टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, क्योंकि ये बिग बॉस है, यहाँ हर दिन इक्वेशन, हर वीक परिस्थिति बदलती है। इस वीकेंड अगर कोई हीरो बना है तो अगले वीकेंड वो जीरो भी बनेगा, आपका भी नंबर आएगा। बस जुनून के साथ, पैशन के साथ और पेशेंस के साथ लगे रहो, बाहर की चीजों से, किसी के बोलने से माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करो, आपका फोकस जो है आप वही रखो। यहाँ तो कई तरह के लोग कई तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये लाइफ आपकी है, ये खेल आपका है, और आपका खेल आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो किसी के बोलने से, किसी के प्रोवोक करने से, किसी के इंस्टिगेट करने से
आपके खेल पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग जस्टिफाई कर रहे हैं ना शुक्ला के लिए कि प्रोवोक कर दिया तो हाथ उठा दिया, प्रोवोक कर दिया तो हाथ उठा दिया, प्रोवोक कर देंगे कुएं में कूद जा, कोई कूदेगा कुएं में? प्रोवोक करेंगे कि जा तेरे में दम हो तो जाके कूद जा 10-15 माले की बिल्डिंग से, कूदेगा कोई? नहीं कूदेगा। कोई प्रोवोक करेंगे कि जा भाई जहर खा ले? इतना दिमाग सब में है भाई, और सलमान खान ने जैसे वीकेंड पर बोली दिया, इतना गुस्सा है तो मारो ना लपड़ खींच के, सीवियर इंजरी कर दो, निकल जाओ शो से। कोई नहीं कर रहा है, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, लेकिन जो ब्लाइंड फैंस है ना वो एक ही रीजन देंगे, प्रोवोक किया इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया इंस्टिगेट किया। फर्स्ट टाइम किया ना, हाँ इतिहास में शायद पहली बार किया। तो जो भी रहा है इस वीक की बातें, इस वीक में दफन हो जाएंगी, नया वीक शुरू होगा, नए जुनून, नई एनर्जी, नई शुरुआत कीजिए, और देखते हैं कि कल से क्या इक्वेशंस बनती हैं, किस तरीके से गेम आगे जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, लाइक खूब ज्यादा से ज्यादा करना, एंड सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।